अच्छा जी, आज हम लोगों के पास आया है होंडा 125 2022 का मॉडल। तो इसकी वीडियोस आप लोगों ने पहले भी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी। तो ये मेरा एक दोस्त है, उसने भी परचेज़ किया है, तो वो मेरे पास ले के आया। और आज हम इस बाइक का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको इस बाइक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में मिली है या जितना मुझे पता है, वो सब आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर हम लोग इसका स्टिकर देखें तो ये 2022 का स्टिकर है। और अब जो स्टिकर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो खूबसूरत लग रहा है और वैसे भी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसका जो टापा है वहाँ पे भी आप देखें, बड़ा अच्छा इन्होंने ये स्टिकर के जो ग्राफिक्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं। और ये जो CG125 लिखा हुआ है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका जो ये मार्का है होंडा का, ये गोल्डन हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर खूबसूरत लगता है। बाकी जी, इस बाइक के अंदर होंडा ने क्लेम किया है कि 55 चेंजेस इन्होंने किए हैं। आप वो 55 चेंजेस कहाँ पे किए हैं ये तो किसी को भी नहीं पता, होंडा को खुद भी नहीं पता कि इन्होंने 55 चेंजेस कहाँ पे की हैं। लेकिन इस बाइक को मैंने अभी थोड़ा सा चलाया है और अभी हम लोग आपको इसको चला के भी दिखाते हैं। ये बाइक जो पिछला वाला जो होंडा है 2019 या 20 का मॉडल जिसको आप कहते हैं, या 21 का मॉडल जो है, उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है चलाने में। जहाँ तक मुझे पता चला है, इसके इंजन में इन्होंने चेंजेस किए हैं। पहले वाला जो था, इससे रिसेंट पुराना वाला जो मॉडल था, वो थोड़ा सा गर्म होता था। अगर हम उसको हिली एरियाज में लेके जाते थे या उसको हम ड्राइव करते थे थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो गर्म हो जाता था और वो फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन ये वाला जो बाइक है, अब जो इन्होंने 22 मॉडल जो निकाला है, जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तो ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इस बाइक का साउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फ्यूल एवरेज भी इसकी बाइक की अच्छी है। और अब ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता जितना वो वाला गर्म हो रहा था। मतलब जो पिछले बाइक पर जो फॉल्ट्स वगैरह थे, वो इस बाइक में होंडा ने सॉल्व कर दिए हैं। और होंडा क्लेम करता है कि अभी तक जितने भी उन्होंने 125 बनाए हैं, ये वाला मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। शेप तो वैसी ही है जिस तरह हमेशा से 125 की होती है, लेकिन इसकी जो बाइक की ग्राफिक्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ से भी आप देखें ग्राफिक्स वगैरह बाइक के बड़े इन्होंने खूबसूरत बनाए हैं। फिनिशिंग जो है वो बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको बाइक का इंजन भी दिखाऊँ तो यहाँ पर आप लोग इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। फिनिशिंग बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसका जो कार्बोरेटर है, सुना है कि वो भी थोड़ा सा चेंज किया है या बड़ा किया है। थोड़ा सा इसको चला के टेस्ट करते हैं, इसका साउंड भी मैं आपको सुनाता हूँ। अब हम लोग जो है वो बाइक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बाइक हमने स्टार्ट किया है और आप देख सकते हैं लग रही है काफ़ी ज़्यादा, और ये ज़रा स्मूथ सी मुझे लग रही है। तो अब हम थोड़ा सी इस बाइक को ड्राइव करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसा है। अच्छा जी, अब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ और जो मेरी चलाते में जो मुझे फील आ रही है, मैंने पहले भी 125 काफ़ी ज़्यादा चलाए हैं, ये वाला काफ़ी स्मूथ है। इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन वगैरह आपको फील नहीं होगी। साउंड काफी बेहतर है। पुराने वाले जो 125 है उससे इसका साउंड काफी बेहतर है। बाइक की राइड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल भी बाइक के अंदर शोर नहीं है। जो 125 के अंदर हमेशा से एक शोर और एक वाइब्रेशन होती थी,
वो इस बाइक के अंदर होंडा ने इशू रिजॉल्व कर दिया है। और इसकी जो पिक है ना वो बाइक की काफी अच्छी है। ब्रेकिंग भी मुझे लग रहा है इस बाइक की काफी इंप्रूव हुई है। ब्रेक का भी जो रिस्पांस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छा अभी आपके सामने हम लोग 100 की स्पीड में गए हैं और बाइक को ज़्यादा खींच इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तकरीबन 80-90 किलोमीटर चला है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चौथे गियर में रन दिया है और माशाल्लाह से बाइक की पिक काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पहले वालों से। और इसका जो रिस्पॉन्स है ना, बाइक का रिस्पॉन्स बड़े मज़े का है। शॉक्स भी मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव लग रहे हैं, कोई जो खड्डा वगैरह है वो इतना फील नहीं हो रहा। खैर बाइक नया है, थोड़ा थोड़ा हम लोग चलाएँगे, 2-3-4 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद भी इसका रिव्यू करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि बाइक की कैसी परफॉर्मेंस है 2-3-4 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद भी। और वैसे अगर अभी मैं इस बाइक के बारे में बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वाइब्रेशन जो सबसे बड़ा एक हमेशा से होंडा का मसला रहा है 125 का, वो इस बाइक के अंदर जो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ब्रेकिंग बाइक की अच्छी हुई है, बाइक की सस्पेंशन जो है वो अच्छी हुई है और बाइक चलाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं, 152,500 रुपये इस बाइक की प्राइस है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि 125 इतना महंगा नहीं होना चाहिए। ये एकदम से इसकी प्राइस जो है उन्होंने इंक्रीज़ की है। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बाइक के ऊपर हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।